हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने वीके जायसवाल बुक के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका लेवल 3 का पैसेज 7। इसमें हमसे पूछ रखा है कि द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, पहला क्वेश्चन तो यही है हमारे पास। तब आप देखिए, इसमें ये जितने भी दे रखे हैं, इसमें ये जो एलिमेंट 2 है, अगर मैं एक बार लिख ही लूँ सब एलिमेंट्स को, ये क्या बता रखा है, बेरिलियम बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है, नियॉन बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है, मैग्नीशियम हो जाएगा, इसको क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, फ्लोरीन बोलिएगा। तो अब आप बताइए, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियॉन की होगी, क्योंकि वो नोबल गैस है। तो फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, यानी सी वाला आंसर आ जाएगा। अब बोलता है द एलिमेंट विथ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपको पता है नाइट्रोजन और नियॉन दोनों की लोवेस्ट होती है, लेकिन इन दोनों भी हमको सेलेक्ट करना होगा, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, नियॉन को सेलेक्ट करेंगे, नोबल गैस को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम किसके आंसर हो जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो ये तो ना इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं ना लूज करना चाहते हैं, ना गेन ना लूज, तो इसीलिए इनकी क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी। उसमें भी अगर चूज करना हो तो फुल फील्ड वाले को चूज कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पूछता है कि द मोस्ट आयनिक कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन, तो आप मोस्ट आयनिक कंपाउंड किसमें बनेगा। अब देखिए, मेटल तो ये बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। अब बेरिलियम फ्लोराइड बनाएंगे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, उसका नेचर ज़्यादा कोवलेंट नेचर का हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम फ्लोराइड अगर आप बनाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कोवलेंट नेचर का हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कम कोवलेंट नेचर का होगा, तो इसीलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 3 और 5 के बीच में हो जाएगा, 3 और 5 के बीच में ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज बताइए। तो जरा सा आप सभी ऑप्शन को एक बार एनालाइज करिए और ऑप्शन डी को एक बार आप देखिए। ऑप्शन डी क्या लिखा है, पहले 5th आएगा यानी फ्लोरीन आएगा, उसके बाद बोला इन्होंने 4th यानी नाइट्रोजन आएगा, फिर क्या बोला है, 1st बेरिलियम आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा, ऑप्शन 3 मैग्नीशियम। बात सही है कि आप पहले अगर आपको पता है कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, इस तरह से डिक्रीज कर जाती है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे बेरिलियम आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, तो सही लिखा हुआ है कि इस तरह से इधर जाने पे साइज इंक्रीज करेगी। अब बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज आपका बढ़ेगा, तो ये बातें तो सही है। तो इसीलिए क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे वीके जायसवाल बुक के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।